नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र, इंडिया फार्म मैनेजमेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भाई पवन की डेयरी पे लेके आया हूं। इस डेयरी पे भाई के पास अभी लगभग 20 के आसपास पशु हैं और ये भाई जो पशुओं का दूध होता है ये नज़दीक जो बाज़ार पड़ता है उनमें सेल आउट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनका काम है। और इनके साथ अभी इन्होंने एक नई बात सोचा है कि पशुओं का ना सेल परचेज काम करना चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छा काम रहता है। तो अब जो ये युवा हैं, युवा होते हुए जो लाइक हम किसी कहीं जाके जॉब मांगते हैं, लेकिन उन्होंने अपना खुद का काम शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि जो खुद का काम पशुओं का जो धरती से जुड़ा हुआ काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हो उसमें। तो ये जो नेचुरल काम आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और जितना प्रॉफिट मार्जिन है वो भाई से जानकारी जुटाते हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें। तो सारी बातें शुरू करते हैं, भाई से फ़ोन से पूछते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। तो पवन भाई नमस्कार। राम राम भाई। भाई सबसे पहले आप हमें ना अपना थोड़ा एड्रेस बता दें। भाई बीरन गांव है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, अटल डेयरी फार्म। अटल डेयरी फार्म। हाँ भाई साहब। तो भाई मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपने ये डेयरी फार्म कब शुरू किया था? भाई एक साल हो गया। एक साल हो चुके हैं। और कितने पशु शुरू किया था? भाई पशु का स्टार्ट कराया था 10 तक। 10 पशुओं से। हाँ भाई। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अभी कुल कितने पशु आपके पास? भाई काल तो थी, कल 3 बेची है, ये एक और है। कल 3 पशु बेचे थे। 24 थे। कल 3 पशु बेचे हैं आपने? कल 3 बेचे। अच्छा आपने क्या सोच के शुरू किया था, लाइक अपने सेल परचेज काम शुरू करेंगे या फिर दूध बिक्री काम शुरू करेंगे? भाई दोनों ही सोच के शुरू किया था। दोनों बढ़िया। दोनों ही बढ़िया। सेल परचेज का ज़्यादा बढ़िया है। सेल परचेज ज़्यादा अच्छा काम है। अच्छा मैं सबसे पहले तो आपके पशु देखना चाहूँगा कि आपके पशु कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। भाई पहला ब्याह ये हक की है। ये पहले ब्याह की फर्स्ट लैक्टेशन का है भाई के। तो भाई आपने इसकी मतलब खरीदारी की थी? हाँ भाई साहब। अभी कितने दिन की हो चुकी है ये? भाई 7 दिन की बैठी होगी। 10 लीटर का अटल फिलहाल तैयारी का। देखिए मैं अदर क्वालिटी दिखाता हूँ पशु की। ये देखिए अभी समय लगभग 12 के आसपास का हुआ है, तो अडर पूरा दूध का भरा नहीं है। और ये भी अच्छी बात होती है कि अडर खाली हो जाता, दूध के बाद अडर खाली हो जाता है, तो इसका मतलब दूध की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है पशु की। इसका 10 लीटर भी तैयार है। हाँ, 4 दिन का है। 7 दिन की ब्याई हुई है। 7 दिन की ब्याई हो चुकी है। हाँ। तो सींगों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाइट वगैरह पशु की बिल्कुल सही है। तो भाई इसकी बिक्री के लिए मैं पूछूं कितना रेट है, बिक्री करना चाहे तो? भाई 90,000 रुपये हैं इसके। 90,000 रुपये, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया पशु है। ये सीमेंट में पूछना चाहूँ कौन से पशु का? भाई साहब ये नहीं पता मेरे को। ये नहीं पता आपको? तो बिल्कुल सही है। परचेज किया था आपने? आपने पूछा नहीं मतलब? अच्छा दूसरा पशु मैं देखना चाहूँगा, ये भाई का ये वाखड़ी हो रही है भाई साहब। ये ड्राई हो चुके हैं, दूध दे रही है थोड़ा बहुत अभी? दूध दे रही है भाई साहब, ये 7 के लगभग, 7-8 लीटर। 7-8 लीटर दूध दे रही है। ये कौन से इलेक्ट्रिशियन की है ये भाई साहब? तीसरे की है। तीसरा? हाँ तीसरा इलेक्ट्रिशियन है। हाँ भाई साहब। तो भाई बिक्री करना चाहें तो अभी कितने दिन की प्रेगनेंट है मतलब कितना? ये भाई साहब 4 महीने की प्रेगनेंट है। 4 महीने की है। और इसका दूध कितना रहा है? इसका भाई साहब 16 लीटर था। 16 लीटर दूध था भाई साहब। तो इसका बिक्री का मैं पूछना चाहूँ तो कितना, क्या प्लान है आपका? भाई इसको ब्याने के बाद ही वो सेल करेंगे। ब्याने के बाद ही मतलब सही प्राइस तो सही मिल पाएंगे तो ब्याने के बाद? ब्याने के बाद भाई साहब। बिल्कुल सही है। और ये पशु भैया ये? ये भाई साहब ये भी तीसरे में है। ये भी तीसरे में है, तीसरा लैक्टेशन है। और कितने दिन की आगे कुछ? ये 3 महीने की प्रेगनेंट है भाई साहब। 3 महीने की। इसका प्राइस वो सब कब मतलब ब्याने के बाद? ब्याने के बाद ये सब बाकड़ी हो चुकी है भाई। सब बाकड़ी हो चुकी है। हाँ। अभी कितने पशु दूध दे रहे हैं आपके पास में? अभी पशु दूध दे रहे हैं ये 4 दे रही है, ये नहीं है, 2 वो दे रही है। अच्छा ये दो 5 महीनों की प्रेग्नेंट है। अच्छा। कोई 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी भाई के पास ना दूध से मतलब ये 4 अभी ब्याने वाली है। 4 ब्याने हाँ। वाली है। कितने ये पशु ये कितने दिन का हो चुका है अभी? ये भाई साहब लगभग 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। 6 महीने 6-7 के लगभग। अच्छा अच्छा। इसकी दूध कितना रहा है? इसकी कैपेसिटी 19 लीटर थी भाई साहब। 19 लीटर दूध रहा है। सिंगो से थोड़ा बड़ा है और पशु थोड़ा सा वैसे कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन एक सींग भी टूटा हुआ है। और ये कितने की बिक्री करना चाहेंगे आप वैसे? 19 लीटर काफ़ी अच्छा दूध होता है पशु का। भाई साहब ये मैंने खरीदी थी 85,000 रुपये की। 85,000 इसको बेचने की सलाह नहीं है। इसको नहीं बेचना चाहेंगे मतलब दूध काफ़ी अच्छी हाँ, है मतलब वैसे थोड़ी हल्की है लेकिन दूध हाँ, दूध काफ़ी अच्छा है। 19 लीटर है। हल्की इसका मतलब हाँ, खाने पीने में थोड़ी कमी खाती होगी। ये 10वें महीने में है भाई साहब। ये 10वें महीने में लगा है, कल ही लगे हैं। अच्छा अच्छा। दूध से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं? हाँ भाई साहब बिल्कुल हो चुकी है। इसके सींग काफ़ी अच्छे हैं वैसे, सींग बिल्कुल गोल हैं।
बढ़िया। ये चौथी बार बहेगी भाई साहब, इसके नीचे 16 लीटर तीसरी बार था, अब चौथी बार भी आएगी। चौथे इलेक्ट्रिशियन एक महीना रेस पे इसका, एक महीना अभी चौथी बार भी आएगी, एक महीना रह चुका है। हाँ भाई साहब, कितना दूध बताया आपने? 16 लीटर भाई साहब, 16 लीटर दूध था इसके। इसके प्राइस कितने मांग रहे हो आप? इसका भाई साहब 95,000 रुपये, 95,000 रुपये ब्याने के बाद 95,000 रुपये। दूध चेक करवाने कितने बार चेक करवाएंगे थे? कितनी बार भाई साहब? 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, जितना भी मतलब अगले की मर्जी। हाँ, है मर्जी, सही बात है। ये भाई तीसरी बार भी आएगी, तीसरी बार भी आएगी। ये है लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 7 महीने की है। हाँ, इसका दूध कितना रहेगा? इसका भाई साहब 13 लीटर है। 13 लीटर दूध दे रही है अभी? ये अभी दे रही है, ये लगभग 4.5-5 लीटर के लगभग, 4.5-5 दोनों टाइम का, दोनों टाइम का। हाँ, पशु ठीक है वैसे तो, थोड़े हल्के लान पान के होंगे। सभी दूध की है भाई साहब, 8 होगी, सारी दूध की है। 4 टाइम काटो 5 टाइम काटो, अच्छा बिल्कुल सही है। इसके 14 लीटर था भाई साहब, इसके 14 लीटर तीसरी बार भी आएगी, तीसरी बार भी आएगी। हाँ, ये कितने 15 दिन के लगभग आ जाएगी, 15 दिन में भी आ जाएगी। हाँ, 15 दिन में भी आ जाएगी। इसको दिखाते हैं, मनाड़ लाइटी ऑर्डर 15 दिन के लगभग, देखिए पशु सही है, ठंड वगैरह बिल्कुल अलग अलग है। वैसे अभी ऑर्डर भरा नहीं है वैसे, काफ़ी अच्छे 15 दिन पड़े हैं, जब तक वो अच्छा हो जाएगा। सिंग थोड़े लंबे हैं। इसका कितना प्राइस करें सर? इसका भाई साहब 80,000 रुपये, 80,000। 14 लीटर दूध दूसरी बार का था इसका, दूसरी बार 14 लीटर दूध था। अभी तो वैसे कुछ बढ़ सकता है वैसे। हाँ, 80,000 रुपये रेट कह रहे हैं भाई। इस पशु को देखना चाहें तो ये भाई साहब इसका भी 1 महीना रेस्ट है, 1 महीना। हाँ भाई साहब, बाकी है ब्याने का। इसका दूध कौन सी बार की वैसे? ये भाई साहब चौथी बार भी आएगी, चौथी बार भी आएगी। हाँ। और कितना दूध रहा था आपके भाई साहब? इसके 17 लीटर, 17 लीटर होता है। देखिए पशुओं की 17 लीटर दूध कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छे हैं। सभी फार्मर्स होते हैं या फिर ये पशुपालक होते हैं जो इंडिविजुअल घरों में पशु रखते हैं, इतना आसानी से भाई नॉर्मल खिलाइए, ज़्यादा भाई मल्टीविटामिन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा करते, और कैल्शियम आयरन बड़न कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। अच्छा भाई ने गायें भी रखी हुई हैं, गायें मैं दिखाना चाहूँगा एक बार आप। ये कौन सी नस्ल की गाय भाई? भैया देसी साहिवाल क्रॉस की गाय है, ये क्रॉस है देसी साहिवाल। ये कौन सी बार की है? ये भाई तीसरी बार ब्यावेगी, तीसरी बार। हाँ, इसके दूध कितना रहा है आप? इसके 19 लीटर रहा है भाई साहब, 19 लीटर दूध रहा है। इसका बिक्री भी कर सकते हैं आप ब्याने के बाद भाई साहब? ब्याने के बाद बिल्कुल सही है। दूसरी एक HF नस्ल की है, क्या दिक्कत होगी भाई साहब? बीमार होगी बीच में या ज़्यादा खंडम होगी? अच्छा अच्छा, बीमार होने वाली है, 5-7 दिन में जाएगी। ये भी क्रॉस है? हाँ क्रॉस की है भाई साहब, ये 4-5 दिन में ब्याने वाली है। हाँ 4-5 दिन में ब्याने वाली है, उसके 10 दिन भी ले ले। अच्छा अच्छा, बाकी लगभग ले लेगी 10 दिन के आसपास, क्योंकि अभी ऑर्डर में इतना खिंचा हुआ नहीं है, टाइम लेगी वैसे। इसका प्राइस कितना मांग रहे हैं आप? इसका भाई साहब 40,000 रुपये। हाँ, इसका दूध 14 लीटर दूध, 14 लीटर दूध भी आएगी, तीसरी बार भी आएगी। हाँ, और ये बेचने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, नहीं ये भी दूध दे रही है, दूध दे रही है। ये होगी लगभग 10-15 दिन की ब्याई होगी, 10-15 दिन की ब्याई होगी। इसके कितना दूध है? इसके भाई साहब 17 लीटर, 17 लीटर। हाँ, शरीर में थोड़ी सी हल्की, 17 लीटर है। ये सेल के लिए भाई, ये सेल के लिए, ये ब्याने वाले हैं, 15 दिन में या 20 दिन में जाएगी। ये तैयार पशु है, ये इस पर थोड़ी सी इसके शरीर पर रौनक है। ये कौन सी बार भी आएगी? ये भाई साहब सेकेंड बार भी आएगी, सेकेंड बार भी आएगी। इसके 14 लीटर, 14 लीटर दूध था। इसके कितने रेट कह रहे हैं आप? 55,000 रुपये भाई, 55,000 रुपये। अच्छा पशु, ये पशु के शरीर पर चमक है, काफ़ी अच्छा पशु है। अच्छा वो आप मेरे को बता रहे थे दूध वाली वो भैंस बता रहे थे अपने पास, ये कटड़ी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है भाई साहब, ये है 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 7 महीने की। कौन सा सीमेन यूज़ किया था आपने इसके लिए? भाई साहब सीमेन यूज नहीं किया इसके, बाकी सब पशु के सीमेन है, इसके सीमेन नहीं है। तो ये आपने लोकल कोई? हाँ लोकल होता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही है, इसके भी दिक्कत हो रही है। अच्छा ये पशु बीमार है मतलब? इसके 14 लीटर भाई, इसके 14 लीटर। ये कौन सी बार की? ये भाई चौथी बार भी आएगी, चौथी बार भी आएगी। हाँ 14 लीटर दूध रहा है।
और कितना प्राइस कहते हैं वैसे इस पशु का आप? इसका भाई साहब 75,000 रुपये। 75,000 रुपये ब्याने के बाद, ब्याने के बाद दूध चेक करके आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। पशुओं की सबसे बड़ी बात है, अगर मान लो किसी भाई को पसंद आए तो दूध चेक करें दो तीन बार, चार टाइम, छः टाइम मर्जी है, दो चार छः जब भी, मतलब जितने भी टाइम आप चेक करना चाहें लगातार कंटिन्यू दो तीन चार बार। में मैं पवन भाई पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या मतलब आप फीडिंग वगैरह, आपके पशु थोड़े से हल्के हैं तो क्या मतलब, बाकी मैंने कई डेयरी देखा पशु काफ़ी लंबे तगड़े होते हैं तो क्या कर रहे हैं? तो हरे चारे की समस्या है, हरे चारे की समस्या है यहाँ पे। अच्छा, और फीडिंग जैसे काफी क्या मल्टी विटामिन वगैरह ये होते हैं, कैल्शियम ये वगैरह सब? मैं नहीं देता भाई। आप देते नहीं, नहीं है देता। आप फिर चने की चूरी? खल चना चूरी। अच्छा ये, अच्छा मैं अभी मैं पूछना चाहूंगा, आपने पशु किस कहाँ पे बिक्री किया अभी? मतलब भाई फिलहाल चंडीगढ़। चंडीगढ़ बेचे हैं पशु? हाँ, आपने चंडीगढ़ गए हैं, कल ही गए हैं। वो कितनी रेंज के पशु थे भाई? 95,000 की थी, 90,000 की, 85,000 की, 85,000 की, 300 लोग है भाई कल। बिल्कुल सही है। अच्छा दूध बिक्री का, आप कहाँ पे दूध बिक्री करते हैं? मान लो भिवानी करते हैं भाई। भिवानी करते हैं? हाँ। कैसे मतलब आप लोकल मतलब डोर टू डोर सप्लाई करते हैं? डोर टू डोर भाई साहब। कितने रुपए किलो दूध जा रहा है? 55-60 भाई साहब। 55-60 रुपये, तो ये तो मतलब कुल मिला के ठीक ठाक सा मार्जिन हो जाता है इसमें। बिल्कुल सही है। तो शेड क्या कॉस्ट में पूछना चाहूँ, कितना शेड का कॉस्ट आया था भाई साहब? 6,00,000 रुपये। 6,00,000 रुपये। एक आपने, आप नए फार्मर्स को क्या कहना चाहेंगे, मान लो नए फार्म को शुरू करना चाहे तो उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई साहब? मेन तो बीमारी का ध्यान रखना चाहिए, पशु में कोई बीमारी ना आए, टाइम पर इलाज कराए, टाइम पर इलाज कराए, बीमारी ना आए। बिल्कुल सही है। और आपको क्या मतलब सही काम लग रहा है? आपने एक साल बढ़िया काम भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मुनाफा है, काफ़ी अच्छा काम है, बढ़िया। आप इसे और बढ़ाना चाहेंगे? बढ़ाना चाहूँगा। जैसे आपके भाई से मैंने बात की तो वो कह रहे थे दूध हम भविष्य में पैकिंग अपना खुद करेंगे, दही दूध वगैरह पैकिंग करेंगे वगैरह, ये सही है। काम क्या है शुरुआत करो, लेकिन उद्देश्य लगे भाई साहब, साल दो साल बाद में ये काम स्टार्ट करें। बिल्कुल, सपना बड़ा होना चाहिए, उद्देश्य बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब ये एक प्रेरणा स्रोत है, मतलब हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो एक बड़ा सपना लेके करते हैं तो उसमें संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, आदमी काम करने में थकता भी नहीं है। एक साल हो गए हमारे पास, कोई लेबर नहीं है, हम खुद करते हैं, खुद ही काम करते हैं, सभी काम खुद ही करते हैं, काफ़ी बेहतरीन अच्छा काम है। तो दोस्तों अगर आप मान लो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें कोई बंदा भाई पशु खरीदना चाहे तो 99920-62-818 भाई के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और बीरन भाई ने गांव बताया, बीरन गांव है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट अटल डेयरी फार्म, अटल डेयरी फार्म। तो भाई ये संपर्क कर सकते हैं, और आपको कोई भी पशु खरीदना चाहें तो आप जानकारी जुटा सकते हैं। तो पवन भाई वीडियो बनवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।